हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। रिजेक्शन क्या होती है एंड हाउ टू गेट ओवर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिजेक्शन एंड फेलियर इन लाइफ, कैरियर एंड बिजनेस। जब आपके आइडियाज को अस्वीकार कर दिया जाता है, जब आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को, आपके आपके प्रपोजल्स को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपको रिजेक्शन का अनुभव होता है। जब आपको रिजेक्ट किया जाता है तो आपको फेलियर फील होता है। जब आप कोशिश करते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो आप रिजेक्टेड फील करते हैं। ये रिजेक्शन एक वर्ल्ड वाइड इशू है। इससे एंग्जायटी, एंगर, लेजीनेस और ना जाने विभिन्न प्रकार की मानसिक और सामाजिक बीमारियां फैलती है। किसी चीज में अस्वीकार्यता मिलना एक नेचुरल प्रोसेस है। हम ये उम्मीद करके चल रहे होते हैं कि आपको या हमें हर चीज में हमें स्वीकार किया जाएगा, हर काम में हमें एक्सेप्ट किया जाएगा, हर काम हमारा चलेगा, हर बिजनेस जो हम करेंगे वो चलेगा, हर आइडिया हमारा बिकेगा, हर प्रोडक्ट चलेगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में कंपीट करने वाले केवल आप ही नहीं है, दुनिया भर के लोग हैं। सबको सक्सेस चाहिए, सबको, लेकिन फेलियर को कोई नहीं लेना चाहता, फेलियर को कोई स्वीकार नहीं करता। दैट्स ओके, लेकिन फेलियर होना, फेल होना और रिजेक्ट होना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जॉब में रिजेक्ट हो जाना, आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाना, आपका कंटेंट रिजेक्ट हो जाना, आपके जो भी आप प्रपोजल जीवन में, सामाजिक जीवन में किसी को भी दे रहे हैं आप, ताकि आप चाहते हैं कि आपके उससे इंप्रूवमेंट हो या आप उस चीज को एक्सेप्ट, लोग आपको एक्सेप्ट करें, तो उन चीजों से फिर ऐसी भावनाएं पैदा होना, ना काम करने की, किसी चीज की प्रेरणा नहीं होना, प्रेरणा की कमी होना, और ये चीजें होना नॉर्मल है। हालांकि ये इतना नॉर्मल नहीं है। इस फीलिंग में जीवन जीना इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इस फीलिंग ऑफ फेलियर से हम बाहर निकल सकते हैं और रिजेक्शन से हम बाहर निकल सकते हैं। तो यह वीडियो हमारा इसी विषय पर है कि हाउ टू गेट ओवर द रिजेक्शन। एनी, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, लाइफ में हो, प्यार मोहब्बत में हो, किसी भी चीज में आपको रिजेक्शन मिला है, उससे बाहर निकलने के लिए जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं वो 5 लीडरशिप के लेसन है, या वो आप समझ लीजिए कि मैंने जीवन में इंप्लीमेंट किए हैं। जब भी बहुत सारे रिजेक्शन से मैं बाहर निकला हूं और जब भी बहुत सारे फेलियर से बाहर निकलने के लिए जो मैंने इस्तेमाल किए हैं अब तक, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप यू विल लाइक इट एंड दिस विल हेल्प यू, दीज आइडियाज विल हेल्प यू टू गेट ओवर रिजेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ। सो द नंबर फर्स्ट वन, नंबर फर्स्ट इज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। उम्मीद करें और स्वीकार करें। कभी जब भी आप कोई नया काम, बड़ा चैलेंजिंग, कुछ भी धंधे में, बिजनेस में, करियर में, जॉब में करने जा रहे हैं, तो हमेशा अपने माइंड में रखें कि आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, आपको अस्वीकार किया जा सकता है। अपने आप से और दूसरों से हमेशा ये उम्मीद ना पाल के रखें कि हर चीज आपकी चलेगी ही चलेगी, या आपको हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं। और जब क्योंकि हमें जब और क्योंकि अगर आपने बहुत सारी संभावनाएं पाल ली है माइंड में आपने सक्सेस ही पाली है, सक्सेस ही देख रहे हैं, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप अपने आप को ये समझा नहीं पाते कि यार ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, मैंने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता था कि इसको अस्वीकार किया जाएगा, लेकिन ये अस्वीकार हुआ है। तो इस सच्चाई को समझने की आदत डालिए और इस सच्चाई से चलिए, रियलिटी से चलिए, चीजें अस्वीकार की जाएगी। और आप कोई अंतर्यामी तो नहीं है, या आप भगवान थोड़ी है कि आपकी हर चीज चलेगी, हर चीज नहीं चलेगी। आपको फेलियर और सक्सेस
दोनों मिलेंगे, ये एक सिक्के के दो पहलू है। लेकिन आपको कोई फेलियर रोक दे, दैट्स नॉट गुड। इस चीज से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए सबसे पहला है कि ये लेकर चले, अपने आप को समझा कर चले कि बॉस फेलियर भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है मैं अप्लाई कर देता हूं, ठीक है मैं ये काम कर देता हूं, मैं अपनी तरफ से 100% करूंगा, लेकिन अगर नहीं चला तो दैट्स ओके, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाए दैट्स ग्रेट, बट नहीं मिले तो अब क्या बुरी बात है, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे। द नंबर टू मेथड दैट यू कैन यूज इज द टर्न योर रिजेक्शन इनटू मोटिवेशन। जो आपका फेलियर है, जो आपकी रिजेक्शन है, उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उस चीज को अपनी ताकत बनाना है। और क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है, अगर आप फेलियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फेलियर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपने को मोटिवेशन के लिए नहीं करेंगे, तो आप वैसे ही फिनिश हो जाएंगे, मानसिक तौर पर बीमार हो जाएंगे, आपका व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार सारा बदल जाएगा। तो अपने फेलियर को ताकत के रूप में इस्तेमाल करना है। जो आपको रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है अपने आप से कहिए, ठीक है दैट्स ओके, आई एम रिजेक्टेड, नाउ लेट्स सी मी अगेन, आई विल ट्राई अगेन, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, एंड आई विल ट्राई, ओके यू आई एम फेल अगेन, ओके दैट्स ग्रेट, लेट्स आई विल ट्राई अगेन। रिजेक्ट करने वाला थक जाना चाहिए, लेकिन अप्लाई करने वाला थकना नहीं चाहिए। समझ रहे मेरी बात? सफलता हासिल करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, और जब आप अपने आप से, अपने अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा कोई काम करने जा रहे हैं, जब आप कोई नई कमिटमेंट करते हैं, जब आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं, तो आपको सफलता से एकदम थोड़ी मिलेगी। आपको सफलता आपसे पहले, बाजार में आपसे पहले सामान बेचने वाले बैठे हैं। हर एक चीज का इंतजाम किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि आपको, आपका, आप रिजेक्ट नहीं होंगे? आपको सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग, यू हैव अ ग्रेट, यू हैव, दैट्स ओके फ्रेंड्स। अपने आप से उम्मीदें होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेना जी सही नहीं है। रियलिटी से चलना है, और अगर फेलियर मिल जाए तो उसको प्रैक्टिकली समझना है कि क्या कमी रह गई, मेरे में कमी थी या सामने वाले को कमी थी, या उसमें जरूरत नहीं थी, या मेरी बात नहीं समझ सके। तो आप रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपकी ही गलती है, उसका सामने वाले को पता समझ नहीं आ रहा, उनको मालूम ही ना लग ही नहीं रहा हो पता कि है क्या चीज, तो वो आपकी गलती नहीं है। हर बार आपकी गलती नहीं होगी, कई बार आपकी गलती हो सकती है, कई बार दूसरे में गलती हो सकती है, तो ये जीवन का हिस्सा है फ्रेंड्स, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो यूज इट एज अ मोटिवेशन। नंबर थर्ड, कन्वर्ट योर रिजेक्शन इनटू प्रॉफिट, बिजनेस, हॉबी। देखो सिंपल भाषा में समझाता हूं कि अगर आपको किसी चीज में रिजेक्ट कर दिया गया है, प्यार मोहब्बत में, कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में, तो क्या करिए ना, उसको कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, आपको प्यार में धोखा मिला, अब आपने क्या कर दिया, यू स्टार्टेड राइटिंग, आपने शेर व शायरी लिखना शुरू कर दिया। उस फेलियर से बाहर निकलने के लिए आपने शेर व शायरी लिखना शुरू कर दिया, आपने कहानियां बनाना शुरू कर दिया, आपने शेर व शायरी को फिर धीरे धीरे मोनेटाइज कर दिया, उस शेर व शायरी से आप बहुत अच्छे राइटर बन गए, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि हर चीज करने के लिए पैशन तो चाहिए ना, कुछ बड़ा करने के लिए पैशन तो चाहिए, वो पैशन कहाँ से आएगा, वो दर्द से आएगा, वो दर्द कहाँ मिलेगा, रिजेक्शन में मिलेगा, हम दर्द ही नहीं लेते। आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज है, एक मूवी है कि वो, मैं उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, आपने देखा होगा, क्या है कि आपने सुना होगा, बहुत अच्छा पॉपुलर गाना है कि ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है,
इसी तरह का एक और आपने मूवी देखा होगा रॉक स्टार, जिसमें जो हीरो है, जो उनके जब वो रिजेक्शन उनको मिलता है तो जो उनके प्रोफेसर है आई थिंक या कोच है, मुझे ध्यान से याद नहीं है, तो वो कहते हैं कि अगर गिटार बजाना सीखना है या अगर वो जो भी कह रहे थे अगर कलाकार बनना है तो दर्द होना जरूरी है, ताकि वो दर्द दिखाई देना चाहिए आपकी आवाज में, आपकी वर्क में। तो फ्रेंड्स होता क्या है ना कि जब रिजेक्शन मिलता है ना तो वो दर्द होता है, उस दर्द में वो ताकत होती है जिससे जिससे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी चीज में, और फिर धीरे धीरे वो आपका प्रोफेशन आपका पैशन बनता जाता है, और आप क्योंकि आपको रिजेक्शन मिला है अब आप क्योंकि दिखाना चाहते हैं, तो टर्न योर रिजेक्शन इनटू प्रॉफिट, किसी ना किसी रूप से उसको कन्वर्ट कर दो, अच्छी पढ़ाई करके, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करके, अगर आप रिजेक्ट हो रहे इंप्रूवमेंट भी करते जाना है। बिजनेस में फेलियर को प्रोडक्ट बना दीजिए, किसी भी चीज को आप अपनी क्रिएटिविटी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसी हजारों ऑप्शंस हैं। ये मैं खाली प्यार मोहब्बत का तो मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन आप इसको सीरियसली समझ सकते हैं कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर फोर इज टेक योर टाइम। जब आप रिजेक्शन मिले, जब आपको रिजेक्शन मिले तो एकदम रिएक्ट नहीं करना है। एकदम रिएक्ट से हम गुस्सा हो जाते हैं, हम गुस्सा कर देते हैं या हम अपने बिहेवियर में बदलाव कर देते हैं, दैट्स नॉट ग्रेट। हमें समय लेना है। जब भी आपको रिजेक्शन मिले, जब भी आप रिजेक्ट किए जाए, जब भी आपको फेलियर मिले, तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन फेल हो गया, आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस चलाया था लेकिन फेल हो गया, या आपने कोई नई चीज की प्रैक्टिस की थी, नई चीज शुरू कर रहे हैं, वो भी फेल हो गई, सबसे पहले तो ये भी समझ लीजिए कि आप ही, आपको ही लग रहा है कि फेल हो गया है, कि एक्चुअल में एक्सपर्ट्स ने कहा कि आपकी अब बिजनेस फेल हो गया है या आपका आइडिया फेल हो गया है। सबसे पहले पूरी तरह से एनालाइज करें और तभी फेलियर एक्सेप्ट करें। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज एक्सेप्ट करनी है, उसको समझिए, एनालाइज कीजिए कि एक्चुअल में एक्सपर्ट्स बताएंगे कि वो चीज सक्सेसफुल है कि फेलियर है, आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कमी कहां है, हेल्प लीजिए। टेक योर टाइम, एक महीना, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, सोचिए तो सही, एकदम रिएक्ट ना करें, और उस चीज को अपने अंदर पावर के रूप में इस्तेमाल करें, ना कि उससे नेगेटिव फीलिंग में जाए या नेगेटिव उसमें जाए। सो पांचवा रास्ता है फ्रेंड्स लीडरशिप में, लीडरशिप द्वारा इस चीज को हैंडल करने का, रिजेक्शन से बाहर निकलने का, कि कीप मूविंग फॉरवर्ड। स्पीड ब्रेकर होता है ना, स्पीड ब्रेकर होता है, गाड़ी स्लो हो जाती है, गियर डाउन हो जाता है, लेकिन क्या वो जो स्पीड ब्रेकर है, क्या वो रुकावट है? वो रुकावट है थोड़ी देर की, आधे सेकंड की, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर आपको समझाने के लिए है, आपको बताने के लिए है कि आपकी रफ्तार, आपका कंट्रोल, आपका मशीन किस तरह से काम कर रहा है, और अपने आसपास एनालाइज करने का आपको मतलब मौका होता है सिचुएशन को। तो अगर आपको फेलियर मिला है, हो सकता है वो टेम्परेरी हो, उसको समझे और फिर आगे बढ़े, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, रुककर नहीं चीजें होगी। और अगर आपको लगता है कि आप सही है लेकिन फिर भी आपके साथ गलत हुआ, बिजनेस में, कैरियर में, जॉब में, जीवन में, किसी भी जगह में, तो उससे गुस्सा मत करिए, साबित कीजिए ना, साबित कीजिए, आपको साबित करना है। और तमाम रुकावटें, लोग, हर चीज आपके सामने आएगी, आपको उनसे बाहर निकलना है, यही तो लीडरशिप है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड इट हेल्प यू टू गेट ओवर फ्रॉम द रिजेक्शन और फीलिंग ऑफ फेलियर।
and become successful in your life and career. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice week.